पान जी को पूजा पूजा कर ली? पूजा हो गया ना, और प्रसाद चढ़ा दी थी ना। कोविला से जो चल रहा था ट्रेन, तो वो ट्रेन का एक सिंगल इंजन जो बचा हुआ है, वो सकते हैं ये वही इंजन है जो दिख रहा है। वो अयोध्या में जो राम मंदिर जो बना है, तो उसका व्यू ये दिखाया गया है। मतलब एकदम सेम टू सेम इसी टाइप से अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है। ये देख सकते हैं गाइस, कितना बड़ा झंडा यहाँ पे लगा हुआ है। ये जंक्शन में एकदम फ्रंट पे आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, काफी बहुत बड़ा ही झंडा है ये। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आ चुका हूँ हनुमान मंदिर पटना जंक्शन में। तो कल तो आपको वो दिखाए थे, और आज आपको दिखाते हैं हनुमान मंदिर पटना का नज़ारा। साथ में जयश्री भी है, उसकी मम्मी भी है, ऑल फैमिली हम लोग आए हुए हैं हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए। तो ये दिखाते हैं आपको, यहाँ से देखता होगा आपको हनुमान मंदिर। और ये है जंक्शन पे, काफ़ी रश यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों साइड में, इतना ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगा। ये वो जगह है पटना का जहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम आप देखेंगे तो पब्लिक का तांता लगा रहता है, क्योंकि ये जंक्शन स्टेशन यहीं पे पड़ता है, और यहीं पे बाजू में पड़ जाता है हनुमान मंदिर। आपको साउंड तो बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम लोग विदाउट कैमरा आपको ब्लॉगिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं गाइस, ये हम लोग आ चुके हैं हनुमान मंदिर पटना, और यहाँ से मतलब एंटर करने का ये यही है जगह, महावीर हनुमान, क्या लिखा है, महावीरो हनुमान विजयते तराम, आगे का फ्रंट व्यू ये है, और यहाँ से ही एंटर करने का होता है हनुमान मंदिर में। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग, अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे चप्पल होता है, जो खोल के लोग यहाँ पे चप्पल रख सकते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे देखिए सब लोग रख रहे हैं चप्पल। टोकन ले लो गाइस, हम लोग यहाँ से प्रसाद ले लिए हैं, अब फिलहाल चलते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। हाँ तो ले लीजिए ना, फिर ले लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग प्रसाद ले लिए, और ये साथ में फूल भी ले लिए। अब चलते हैं, जयश्री को आप देख सकते हैं गाइस, जयश्री साथ में है, और हम लोग अब चलते हैं अंदर दर्शन के लिए। अब यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग लाइन लगाएंगे और लाइन में जाके दर्शन करेंगे हम लोग। चलो लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। देख सकते हैं गाइस, ये मैप बना हुआ है, हनुमान मंदिर में है हम लोग। देख सकते हैं ये सारा का सारा व्यू आपको हनुमान मंदिर का दिख रहा होगा यहाँ पे। देख सकते हैं कितना मस्त एकदम है यहाँ पे। चलिए हम आपको आगे भी बढ़ के दिखाते हैं यहाँ पर का व्यू कितना शानदार है, और देख सकते हैं चारों साइड का यहाँ पर का कितना खूबसूरत एकदम नज़ारा है यहाँ पर का। और सामने से आपको दिखेगा स्टेशन, देख सकते हैं ऊपर का कितना अच्छा व्यू, और इसके ऊपर भी बना हुआ है ये गुंबद, आप देख सकते हैं कितना ऊपर तक का है। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से पूरा पटना आपको दिख जाएगा, इतना ज़्यादा हाइट यहाँ पर का है, पूरा पटना आपको यहाँ पर से दिख जाएगा, जो कि यहाँ इस सीढ़ी से आपको जाना होता है। और जयश्री और उसकी मम्मी और लोग मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, इसी सीढ़ी से आएंगे, आपको दिखाते हैं। वो लोग गुम हो गए हैं, कहाँ पे हैं पता नहीं, लेकिन फिलहाल कॉल किए थे, अभी आएंगे, सब लोग छत पे आएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आके मतलब शाम के टाइम में समय बिताते हैं यहाँ पे, आप लोग खुद देख ही सकते हैं। दूसरे साइड का आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा क्या बोलता है उसको, रेल इंजन जो कि बस से चलता था, ये पहले कोविला से जो चलता था ट्रेन, तो वो ट्रेन का एक सिंगल इंजन जो बचा हुआ है वहाँ, वो मतलब यहाँ पे ला के रखा गया है। आप देख सकते हैं ये वही इंजन है,
और नीचे ये पार्किंग है जहाँ पे लोग मतलब आते हैं और अपना गाड़ी पार्क करते हैं और फिर मंदिर में दर्शन करते हैं। और सामने ये जो व्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो जंक्शन हो गया स्टेशन, पटना जंक्शन स्टेशन है। और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, तो ये भीड़ जो है ना यहाँ पे कभी थमने का नाम ही नहीं लेता, यहाँ पे कंटिन्यू आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगा। मतलब ये जंक्शन है और यहाँ से सभी जगह का ट्रेन आवागमन होता है, तो यहाँ पे भीड़ कभी कंट्रोल नहीं होता है। वो देख सकते हैं आपको सामने वो होटल सिटी सेंटर दिख रहा है। मतलब यहाँ पर जो आप देखेंगे ना, यहाँ का नज़ारा बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे एनी टाइम आपको भीड़ रहेगा, और ख़ास करके अगर देखा जाए मंगलवार और शनिवार को, तो यहाँ पे बहुत ही काफ़ी भीड़ आपको दिखेगा इस जगह पे। तो ऐसा होगा कि गाइस, अगर आप मंगलवार और शनिवार को अगर आके आप देखना चाहें, तो इस जगह पे इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती है। ये हनुमान मंदिर में काफ़ी भीड़ रहता है, और यहीं के नाम से मतलब महावीर कैंसर संस्थान भी बनाया गया है। तो यहाँ जो ट्रस्ट में जो फंड आता है, वो फंडिंग वहाँ पे मतलब जनहित के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो मैं तो फिलहाल यहाँ पे घूम लिया हूँ और देखते हैं अभी वो लोग कहाँ पे आए, देखते हैं उनको। देखिए सक्षम और उसकी मम्मी, वो जो दिख रहा है ना, वो बास्प इंजन है। बास्प इंजन कोयला से जो स्टीम बनता था ना, उससे पहले ट्रेन उसी से चलता था। तो सिंगल इंजन बचा हुआ है जो कि यहाँ पे लाके रखा गया है। रियलिटी में है? हाँ रियलिटी में है वो, कोई फेक नहीं बना दिया है ऐसा। ये देख सकते हैं गाइस, जयश्री हनुमान जी को पूजा कर ली, पूजा हो गया ना, और प्रसाद चढ़ा दी थी ना। और वो क्या कर रही है चांदनी, अभी भी स्टेशन का फोटो ले रही है। तो आगे का व्यू नहीं देखना है, उधर भी काफ़ी खूबसूरत है, चलो उधर देख लो। ये देख सकते हैं गाइस, ये हनुमान मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर पे ये बना हुआ है। ये राम और पता नहीं, ये अब इनके बारे में तो नहीं आइडिया है कुछ, लेकिन जो भी हैं भगवान जी का मतलब ऊपर में ही ये बनाया गया है। और ये आप इधर देख सकते हैं, दूसरा आपको दिखाते हैं, यहाँ पे माता रानी का ये मंदिर बनाया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत बेहतरीन, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी गाइस। तो आप देख सकते हैं ये जो व्यू जो आपको ये जो दिख रहा है, वो अयोध्या में जो राम मंदिर जो बना है, तो उसका व्यू ये दिखाया गया है। मतलब एकदम सेम टू सेम इसी टाइप से अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये हनुमान मंदिर पटना जो है ना, तो उसके ऊपर वाले फ्लोर में इसे मतलब इस तरह का वो नक्शा क्या बोल सकते हैं इसे, वो मतलब रखा गया। और यहाँ पे देख सकते हैं उसी में चढ़ावा भी यहाँ पे हुआ है। तो ये अयोध्या का राम मंदिर आपको यहाँ पे दिखाया गया है इसके जरिए। ये देख सकते हैं गाइस, कितना बड़ा झंडा यहाँ पे लगा हुआ है। ये जंक्शन में एकदम फ्रंट पे आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, काफी बहुत बड़ा ही झंडा है ये, आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दिया। एकदम मेन जो गेट है ना जंक्शन का, वहीं पे ये झंडा आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं तो फिलहाल अभी महावीर मंदिर के सेकेंड फ्लोर पे हूँ, वहाँ से मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं महावीर मंदिर में एक साइड में ये हमारा वो शनिदेव जी का फोटो भी लगा हुआ, ये मतलब मंदिर बना हुआ है। लोग यहाँ पे मतलब सरसों के तेल में दीपक जलाते हैं, क्योंकि शनिदेव को तेल ही पसंद था, तो इसलिए तेल का दीपक यहाँ पे जलाया जाता है, आप देख सकते हैं।